हाय, मैं हूँ निकिता शर्मा और आप लोग देख रहे हैं INN24। देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मुकेश ऋषि और आप मुझे देख रहे हैं IN24। देखते रहिए, मजा कीजिए। ऑल द बेस्ट। नमस्कार, आदाब, मैं शाहबाज खान और आप लोग देख रहे हैं INN24। देखते रहिए, मजा लेते रहिए। गॉड ब्लेस यू। नागपुर जिंदाबाद। नागपुर हमेशा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। नमस्कार, मैं हूं पायली चौहान, स्वागत है आपका INA24 पर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जिले भर में आंधी तूफान से तबाही का आलम। सीतामढ़ी में 100 से ज्यादा पेड़ धराशाही, तो कुसमुंडा में कार पर गिरा झाड़, लाखों की संपत्ति हुई कबाड़। राजनांदगांव में एक दर्जन से भी अधिक लोग डायरिया की चपेट में। दूषित पानी बताई जा रही बीमारी की वजह। मरीजों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराया गया भर्ती। डॉक्टर अमन सिंह राजनांदगांव में अपने एक दिवसीय प्रवास पर रहे। आर के नगर में महाराणा प्रताप प्रतिमा का किया लोकार्पण, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रहे शामिल। और जगदलपुर में DPS के स्कूल वैन दुर्घटनाग्रस्त, 5 बच्चे हुए घायल। स्कूल से बच्चों को लेकर घरों को छोड़ने जा रही थी वैन। कल देर शाम तेज गर्जना के साथ शुरू हुई बारिश अपने साथ भारी तबाही लेकर पहुंचा। सीतामढ़ी इलाके में ही छोटे बड़े 100 पेड़ धराशायी हो गए, तो रेलवे स्टेशन परिसर में नीलगिरी के बड़े बड़े पेड़ बिजली के तारों पर जा गिरे। हर तरफ तूफान ने भारी तबाही मचाई है। सबसे ज्यादा असर कुसमुंडा के कालरी इलाके में देखने को मिला, जहां तूफान ने कार, घर, मकान और दुकानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। कॉलोनी के जर्जर घरों के छत उड़ गए, तो छोटे झोपड़ी नुमा मकान अपनी जगह से ही गायब हैं। विकास नगर में ही कॉलोनी वासी बाल बाल बच गए। एक घर का छत ही भीतर जा धंसा। इसी तरह सड़कों पर बिजली के खंभे और करंट तरंगी तार गिरे हुए थे। बिजली के खंभे के गिरने से जिले के ज्यादातर हिस्से रात से ही ब्लैकआउट की स्थिति में थी। इतना आधी तूफान आया हुआ है तो ऐसा तो ही करेगा, लापरवाह है ये तरीके से, हुआ नहीं मेरे ख्याल से। निगम की लापरवाही मानते हैं आप? निगम की नहीं है, ठेकेदार की लापरवाही, जो इसका वो लिया टेंडर लिया था, सही ढंग से काम नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ है। और बाकी अपन देखिए सर, सारे बाजार लगाइए कितना लगता है? ये तो ठीक ठाक है, उतना ठीक ठाक है, सफाई वफाई तो है ही नहीं है। और बस ढंग से काम नहीं हुआ है, ढंग से है ही नहीं है। देख रहे हो आप किस ढंग से है, ये लापरवाह पूरा, ये जो टेंडर दिए थे कहाँ कहाँ पे गए ये तो पूरा बाहर पूरा वहाँ तक फेंका हुआ, रोड में भी फेंका गया है। तो रात को 10-15 बजे जो आंधी तूफान आया है, आंधी तूफान ज़्यादा होने के कारण से पूरा टीना वाला जो छप्पर है उड़ के रोड पे आ गया है, पूरा रोड ब्लॉक हो गया है, वो आप देख रहे हो। उसके लिए अभी हाइडा बुलाया गया है, कटर बुलाया गया है व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। पूरे तुलसी मार्ग की लाइट बोल रात से सब वायर कट गए हैं, उस कारण से 3 से 4 घंटे में सुचारू रूप से चालू हो। राजधानी रायपुर में कोरिया जिले से लगभग 150 प्रतिभागी हाफ मैराथन दौड़ में शामिल हुए। कोरिया वापसी में रेलवे स्टेशन बैंकुटपुर रोड में उनका स्वागत किया गया। स्वागत के लिए कोरिया से ही पूर्व खेल मंत्री भैयालाल राजवाड़े के करीबी रहे अंचल राजवाड़े ने प्रतिभागियों का स्वागत व उत्साह वर्धन किया। राज्य स्तर पर रायपुर में खेल व कल्याण विभाग के सौजन्य से हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था, जिसमें कोरिया कलेक्टर के निर्देशन पर जिला खेल अधिकारी द्वारा ब्लॉक स्तर व जिला स्तर पर चयन के उपरांत रायपुर में आयोजित हाफ मैराथन दौड़ में लगभग 156 बच्चे शामिल हुए, जिसमें 100 बच्चे विभागीय चयन प्रक्रिया से गुजरकर राज्य स्तर पर गए। दूसरी विधि ऑनलाइन सुविधा के तहत 56 प्रतिभागी स्वयं के रुचि से भाग लिए। कोरिया जिले के महत्वपूर्ण में सावित्री राजवाड़े ने महिलाओं में तीसरा स्थान लाकर 15,000 नगद व प्रशस्ति पत्र प्राप्त किया। इसी कड़ी में घुघरा निवासी संतोष ने 6वां स्थान प्राप्त कर 3,000 रुपए का नगद इनाम प्राप्त किया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे कोरिया जिले के लगभग 150 बच्चे हाफ मैराथन में वहाँ पर नेशनल स्तर पे और राज्य स्तर पे
कार्यक्रम का आयोजन होता है, खेल आयोजन होता है रायपुर में खेल विभाग के द्वारा। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग की परंपरा रही है कि जब जब कोरिया जिले के बच्चे यहां पर खेलने जाते हैं रायपुर, माननीय भैयालाल राजवाड़े जी जो पूर्व में खेल मंत्री रहे हैं छत्तीसगढ़ शासन के, उनके कार्यकाल के दौरान से ही यह परंपरा हम लोग अपनाते आ रहे हैं। आज भी ये जो नवयुवक नवयुवतियाँ खेलने गई थी वहाँ पर खेलने गए थे इन लोग, उनके स्वागत सम्मान के लिए ये लोग जीत कर आए हैं। इनके उत्साहवर्धन के लिए, इनको शुभकामना बधाई देने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। ये हमारे खेल एवं कल्याण विभाग की बहुत महत्वपूर्ण योजना है मैराथन दौड़, जिसको हम लोगों ने सबसे पहले ब्लॉक स्तर पर कराया। ब्लॉक स्तर से चयनित होकर के बच्चे जिले स्तर पर भाग लिए और जिले स्तर से राज्य स्तर पर गए। तो राज्य स्तर पर दो प्रकार से था, एक विभागीय जिन बच्चों ने जो चयन हुए थे उनको हमने भेजा था, और बहुत सारे बच्चे सीधे ओपन में अपना रजिस्ट्रेशन करके भाग लिए हुए थे। तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि ये रही हमारे यहाँ की कि जो 21 किलोमीटर का जो सबसे महत्वपूर्ण दौड़ है उसमें भी हमारे कोरिया जिले का जो संतोष है, ये घुघरा का निवासी है, इसने 16वें स्थान प्राप्त करके 3000 रुपये का नगद पुरस्कार प्राप्त किया है। 40 से 50 वर्ग का जो वरिष्ठ जो वेटर बोलते हैं इनके जो दौड़ हुई थी, इसमें महिला वर्ग में सावित्री राजवाड़े और पुरुष वर्ग में दयाशंकर, इन दोनों ने काफी अच्छा स्थान प्राप्त किया है। सावित्री राजवाड़े 3rd स्थान प्राप्त करके 15000 रुपए का नगद पुरस्कार इसने प्राप्त किया है। और मैं एक और आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जो दिव्यांग बच्चों के लिए जो दौड़ हुआ था उसमें दृष्टिबाधित बच्चा हमारा जो कि उमझर का है आनंद, इसने जो है 6वां स्थान प्राप्त करके 5000 रुपए का नगद पुरस्कार प्राप्त किया हुआ है। एक और मैं आपको बहुत बड़ी उपलब्धि बता रहा हूँ, जिस तरीके से बुधिया जो है पूरे देश भर में प्रसिद्ध है, इसी तरीके से मेरे यहाँ की बच्चे असलका की है गरिमा राजवाड़े, 8 साल की मात्र बच्ची है जो कि हमारे ब्लॉक स्तर पर भी उसने 3रा स्थान प्राप्त किया था, जिले स्तर पर 5वां स्थान प्राप्त किया था, और अभी राज्य स्तर पर भी उसने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन वो चूंकि थोड़ा सा स्वास्थ्यगत उसका खराबी था तो 13वें स्थान पर वो आई है। तो ये कुल मिलाकर के हमारे मैराथन दौड़, क्योंकि अभी बच्चे हमारे बहुत ज्यादा अनभिज्ञ है, किसी प्रकार के इन लोगों को बहुत ज्यादा प्रशिक्षण नहीं मिला है इस वजह से, लेकिन जिस प्रकार से इन लोगों ने प्रदर्शन किया ये संतोषजनक है। 10 किलोमीटर दौड़ में भी दिनेश नाम का लड़का जो कि सलवा मेको का है, ये भी जो है 5वां स्थान प्राप्त करके 10000 रुपए का नगद पुरस्कार प्राप्त किया है। तो कुल मिलाकर की ये एक प्रकार से कोरिया जिले की उपलब्धि है। 8 वर्षीय गरिमा राजवाड़े ने ब्लॉक स्तर पर 3रा व जिले स्तर पर 5वां, तबियत अस्वस्थ होने की वजह से राज्य में 13वां स्थान प्राप्त किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि कोरिया जिले के दिव्यांग आनंद ने 6वां स्थान 5000 नगद प्राप्त कर कोरिया जिले को गौरवान्वित किया, जबकि जिला खेल अधिकारी का कहना है कि हमारे यहां संपूर्ण संसाधन व बुनियादी सुविधाओं के ना होने के बावजूद इस प्रकार का परिणाम प्रेरणादायक है और भविष्य में जिले के बच्चों के लिए बेहतर प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। INN24 के लिए कोरिया से राजेश उपाध्याय की रिपोर्ट। परसाभाटा बस्ती वासियों ने आज नगर निगम के साकेत भवन पहुंचकर महापौर, सभापति व सभी पार्षदों को ज्ञापन सौंप फोरलेन विरोध में जारी आंदोलन में समर्थन करने का निवेदन किया। इस दौरान पक्ष और विपक्ष के सभी पार्षदों ने बस्ती वासियों को अपने समर्थन का आश्वासन दिया। नेता प्रतिपक्ष पप्पू जैन ने बस्ती वासियों को जल्द ही क्रमिक भूख हड़ताल स्थल पर पहुंचकर उनका समर्थन करने व फोरलेन डाइवर्ट की मांग के लिए भाजपा पार्षदों के उनके साथ होने का भरोसा दिलाया। महापौर रेणु अग्रवाल ने भी पूर्व में दिए ज्ञापन पर राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल द्वारा हर संभव प्रयास करने की जानकारी दी। हमारे यहाँ परसाभाटा में फोरलेन जो आ रहा है इसके विरोध में हम लोग विरोध प्रदर्शन करने आए हैं और शासन प्रशासन को भी हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं, और इस फोर लाइन के बनने में 1200 मकान और कम से कम 700 दुकानें टूट रहा है और पूरा हमारा जनजीवन प्रभावित हो रहा है। हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, अगर हमारा घर टूट जाता है तो फिर दोबारा हम लोग नहीं बना पाएंगे, इस कारण इसको विरोध करने आए हैं। और अब फोर लेन का विरोध नहीं कर रहे हैं, फोर लेन बनाए बाकी हमारे बस्ती के नहीं टूटना चाहिए। क्या लगता है कहेंगे बालकों को बचाने का प्रयास किया है? बालकों को बचाने का प्रयास नहीं कर रहा है, हमारे झोपड़ी को तोड़ने का वो प्रयास कर रहा है, इस कारण हमारा झोपड़ी नहीं टूटना चाहिए। फोर लाइन जो आ रहे हैं वो बस्ती से गुजर के ले जा रहे हैं, उसके बस्ती से गुजर के ले जाने के विरोध में हम लोग बोलने के लिए आए हैं।
कि वो बाहर से ले जाए हम लोग का। ये हम लोग को 60 साल हो गया है वहाँ बस्ती बसे, और घर से बेघर हो जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, उसके उसी के विषय से हम लोग आए हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व राजनांदगांव के विधायक डॉक्टर रमन सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव के प्रवास में रहे, जहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय के सामने भव्य स्वागत कर मोटरसाइकिल रैली निकालकर कैंप कार्यालय से नंदई चौक होते हुए मानव मंदिर चौक से आर के नगर पहुंचे, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री शहर के आर के नगर रोड में महाराणा प्रताप सिंह की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए समाज के सभी लोगों को कार्यक्रम की बधाई देते हुए महाराणा प्रताप सिंह की वीरता का बखान किए। साथ ही पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के स्मार्टफोन पर के ट्वीट पर पलटवार करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि स्मार्ट नरवा गरवा घुरवा और बारी की हकीकत 6 माह के बाद सबके सामने होगी, तभी तो सभी निर्माण कार्यों को निरस्त किया है, ये योजना की हकीकत लोकसभा चुनाव के बाद दिख जाने की बात कही है। वही डॉक्टर रमन सिंह मूर्ति का अनावरण करने के बाद बजरंगपुर नवागांव पहुंचकर रविदास जयंती समारोह में शामिल होकर समाज के लोगों को जयंती की बधाई दी। साथ ही राजनांदगांव के विधायक मोतीपुर में गार्डन का उद्घाटन एवं साहू सामुदायिक भवन का लोकार्पण किए। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री के साथ राजनांदगांव लोकसभा के सांसद अभिषेक सिंह, महापौर मधुसूदन यादव सहित पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित समाज के स्वजाति बंधु मौजूद रहे। राजनांदगांव के लिए गौरवशाली क्षण महाराणा प्रताप के मूर्ति का अनावरण करने का अवसर मिला, और न केवल राजपूत समाज ठाकुर समाज की मांग थी बल्कि सभी समाज को गौरवान्वित करने वाले महाराणा प्रताप, जिन्होंने देश की आज़ादी देश के स्वाभिमान के लिए आजीवन संघर्ष किया और जीवन भर मेवाड़ के मान सम्मान और गौरव के लिए संघर्ष करने वाले महाराणा प्रताप समाज के सभी वर्गों को, उस समय के आदिवासी समाज को, अन्य समाज को साथ लेकर, भामाशाह को साथ लेकर समाज की समरसता और अकबर के साथ हमेशा जीवन भर संघर्ष करने वाले महाराणा प्रताप को हम गर्व से याद करते हैं। और पूरे देश के लोग निश्चित रूप से महाराणा प्रताप ने जिस प्रकार जीवन जिया उससे प्रेरणा लेते हैं। योजना की शुरुआत हुई है 75,000 करोड़ रुपया से 12 करोड़ किसानों के जीवन में परिवर्तन आएगा और सबके खाते में 6,000 हर साल। ये ऐसी योजना है जिसका किसानों को जीवन भर लाभ मिलेगा, हर साल 6,000 यानी 10 साल में 60,000 किसानों के खाते में जाएगा, और एक प्रकार से किसानों के आर्थिक मदद की दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी योजना की शुरुआत की है। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। सुकमा जिले में जिला प्रशासन के द्वारा कड़ी कार्रवाई करते हुए 62 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बर्खास्त कर दिया गया है। इस कार्रवाई से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में रोजी रोटी की समस्या और जीवन यापन का प्रश्न खड़ा हो गया है। बर्खास्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जगह नई भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। 62 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पद मुक्त किया गया है। 26 फरवरी तक नई भर्ती के आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। इलाके के विधायक और प्रदेश के मंत्री कवासी लखमा के निर्देश पर स्थानीय कांग्रेस के जिला महामंत्री जाकिर हुसैन के साथ बर्खास्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क कर अपनी आपत्ति लिखित में दर्ज कराई है। आवेदन में कार्यकर्ताओं ने जिक्र किया है कि पूर्व कलेक्टर के द्वारा ग्राम पंचायतों के सचिवों से जबरन प्रस्ताव मंगवा कर उन्हें बर्खास्त किया गया है। 26 फरवरी की तिथि पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती पर रोक लगाने की मांग करते हुए बर्खास्त किए गए कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें पूर्व में की गई पद स्थापना वाली जगह में यथावत पदस्थ किए जाने की मांग की गई है। आप कौन सा केंद्र है? मेरा आंगनबाड़ी केंद्र गोमपाड़। अच्छा, गोमपाड़ आप जाते हैं नियमित रूप से? जी जाती हूं। आप लोग को बर्खास्त करने का कारण? हम लोग को कारण तो कुछ भी बताया नहीं गया। हम लोग तो डेली ड्यूटी जाते हैं, गांव वाले को मैडम के सामने हम गांव वाले आते हैं, सामान मैडम वितरण करते हैं और गांव वाले के साथ ही हम लोग जाते हैं। वो मैडम देखी हुई है, देखने के बावजूद हम लोग को लिख के दिए कि ये लोग काम नहीं करते हैं, ऐसे करके हम लोग को बर्खास्त किया गया है। तो अभी आप लोग को मांग क्या है? हम लोग का मांग ये है कि हम लोग को फिर से वापस लिया जाए। हमारे नोटिस दिए अचानक के बाद फिर है ना, इससे पहले अक्टूबर से 3 नोटिस मिला हम लोग को, अक्टूबर से
अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीन महीने मिला। उसके बाद है ना क्या बोले, नोटिस दिए, उसके बाद तुम लोग को निकाल दिए हैं बोल के बोले, फिर अपना डाक लिए, फिर घर में बैठ गए, फिर उसके बाद फिर सुकमा गए। क्या वजह है अब ये नहीं मालूम, ड्यूटी तो जाके आ रहे हैं नहीं बोल के, नहीं गाँव वाले को ला कर ही पूरा सामान ले रहे हैं। कुंती मैडम सब देख रही है, हमारे पास भी फोटो उग्रह है, गाँव वाले हैं पाँच पाँच लोग को लेके आना बोले, कम से कम पाँच नहीं आ रहे तो चार को ले आ रहे हैं। अब जब तुरंत बोले तुरंत नहीं होता ना, गांव वाले को भी थोड़ा मनाना पड़ता है, उनके साथ में थोड़ा बरतना पड़ता है, तब जाके मानते हैं। जंगल एरिया है ना, सही है कि नहीं, उसके हिसाब से हम काम करते हैं भैया, एकदम खींच के तो नहीं ला सकते हैं जब बोने से तब। हम आप लोग को नोटिस दिया गया, आप लोग ड्यूटी नहीं करते हैं, आप लोग घर बैठे तनखा लेते हैं, आरोप आप गलत झूठ बात है, ये गलत झूठ बात है, यही बात है। अक्टूबर से हम लोग को दिसंबर तक नोटिस मिला, उसके बाद बोले कि हमारे कलेक्टर और बोदले सर भी बताए कि आप लोग को दिसंबर से वेतन जारी हो जाएगा और आप नौकरी कर सकते हो, आपको कोई नहीं निकालेगा बोले, और उसके बाद बिना गुप्त रूप में हमको निकाला गया है। पूर्व में जो हमारे आदरणीय कलेक्टर सर थे जेपी मौर्य सर, उनके आदेश अनुसार मुझे विकासखंड कोंटा के अंतर्गत एकीकृत बाल विकास परियोजना में प्रशासनिक परियोजना अधिकारी का प्रभार दिया गया था। जैसे कि आपका जो प्रश्न है कि 62 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोंटा विकासखंड से बर्खास्त किया गया है, जिसमें हमारे कोंटा परियोजना से 47 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। बर्खास्तगी के लिए मूल रूप से देखा जाए तो हमारे विकासखंड स्तर पर इनके विरुद्ध ये जो पत्र जारी नहीं किया गया है, और ये जिनके खिलाफ जो भी कार्रवाइयाँ हुई हैं ये हमारे आदरणीय कलेक्टर सर के द्वारा ही हुआ है, और लगातार इसके लिए सतत रूप से हमारे कलेक्टर सर जो हैं वर्ष में दो बार हमारे पूरे ज़िले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मंच में बुला करके एक जगह पर एकत्रित करके उनको योजना के बारे में सर ने भी जानकारी दिया था, विभाग प्रमुख हमारे जो जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय उनके द्वारा भी जानकारी दिया गया था, और योजनाओं के बारे में सतत रूप से इनको परियोजना बैठक सेक्टर बैठक में भी निर्देशित किया जाता रहा है। परफॉर्मेंस है जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में होना चाहिए, उस तरह का शायद कलेक्टर सर को देखने को नहीं मिला। उसी के आधार पर इनको इससे पहले भी कलेक्टर सर ने दो बार जिला कार्यालय में इनको सभी कार्यकर्ताओं को जिनके लिए जिनको पहले ब्यूरो में नोटिस दिया गया था उनको भी बुलवाया गया था, और उनको निर्देशित भी किया गया था कि आप संबंधित ग्राम पंचायत में अगर आपकी भर्ती हुई है तो आप वहीं पर जो है काम करें। और शायद उनको लगा होगा कि जो कार्यकर्ता है लगातार अपने क्षेत्र में रह के काम नहीं कर रहे हैं संबंधित पंचायतों में, और इनका जो विगत तीन वर्षों का परफॉर्मेंस 2016-17, 17-18, 18-19 में जो 10 प्रमुख योजनाएं हैं महिला बाल विकास विभाग में, उसमें न्यूनतम परफॉर्मेंस और बिल्कुल जीरो प्रोग्रेस के आधार पर कलेक्टर सर ने इनको बर्खास्त किया। आपराधिक मामलों में शामिल चार नाबालिग अपचारी बालक राजनांदगांव के नया ढाबा गांव स्थित शासकीय बालक संप्रेक्षण गृह से फरार हो गए हैं। यह घटना शनिवार रात की बताई जा रही है। मामला सुबह पता चलने पर संबंधित विभाग और प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन इस पूरे मामले को दबाने की तैयारी में था। इन बच्चों की शनिवार दिन भर तलाश की गई, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। ये आपचारी बच्चे संप्रेक्षण गृह की खिड़की की रॉड तोड़कर फरार हो गए हैं। राजनांदगांव में यह नया केंद्र सप्ताह भर पहले ही खुला है। मामले की सूचना बच्चों के परिजनों को दे दी गई है। बड़ी बात यह है कि इन बच्चों को यहां सुधार के लिए सुरक्षित ढंग से रखा जाता है, लेकिन यहां से चार नाबालिग बच्चों का फरार होना बताता है कि इनकी सुरक्षा में संबंधित विभाग किस तरह लापरवाही बरत रहा है। चारों ही आपचारी बालक राजनांदगांव जिले के हैं, जो अलग अलग मामलों के चलते संप्रेक्षण गृह में थे। इससे पहले इन्हें दुर्ग के संप्रेक्षण गृह में रखा गया था। वहां संख्या बढ़ने और राजनांदगांव मुख्यालय में एक सप्ताह संप्रेक्षण गृह खुलने के बाद उन्हें यहां ट्रांसफर किया गया था। वही पूरे मामले में कोई भी जवाबदेह अधिकारी कैमरे के सामने नहीं आ रहा है। जगदलपुर पुलिस अधीक्षक श्री डी श्रवण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं नगर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में शहर में क्राइम को देखते हुए निगरानी, बदमाश एवं असामाजिक तत्वों की जांच करते बोधघाट थाना प्रभारी मनोज तिर्की के द्वारा होटल एवं लॉज में जांच करते हुए एवं होटल संचालक तथा लॉज मैनेजर को खास तौर पर समझाइश दी गई है तथा शराब का सेवन करने वाले के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी एवं होटलों में खास तौर पर साफ सफाई को ध्यान देने को कहा गया है।
राजनांदगांव जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर दूर मनकी गांव में लगभग एक दर्जन से भी अधिक लोग डायरिया की चपेट में आ गए हैं। प्राथमिक तौर पर दूषित पानी पीने से लोगों का बीमार पड़ना बताया जा रहा है। इनमें से 5 से 7 गंभीर मरीजों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति में सुधार बताया जा रहा है। सूचना के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में कैंप लगाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है। इसके अलावा घर घर सर्वे कराया जा रहा है। लोगों को डायरिया के लक्षण व इसके बचाव संबंधी जानकारी दी जा रही है। मनकी गांव में फैल गए तो डॉक्टर घर लाए। कितना झगड़ा उल्टी रास्ता होते गांव में? अब गांव में कथी होते थे मालूम नहीं। हाँ, दो चार घर है का 10-12 घर है तिलका मालूम। गांव फैल गए और चल ये 10 उल्टी गांव डॉक्टर गए हैं। डॉक्टर बोला थी इस गांव गए कहके 10 से 11 मतलब 11 से 20 मेरी तबीयत खराब हुआ। उसके बाद मेरे को 12 हॉस्पिटल ना, अभी मेरा इलाज शुरू चालू मतलब चल रहा है अभी। ठीक है तबीयत? हाँ ठीक है। क्या प्रॉब्लम हुई थी? उल्टी दस्त हो रहा। हाँ ऐसी मुझे खबर लगी है, 4-5 कुछ आए हुए हैं मनकी से, वहाँ उल्टी दस्त की संभावना फैली हुई है। इनका इलाज चल रहा है, यहाँ पर हमारे पास व्यवस्था है। सर अभी क्या कंडीशन है? स्टेबल है अभी, ठीक है। जगदलपुर दिल्ली पब्लिक स्कूल की वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह वैन स्कूल से बच्चों को लेकर घरों को छोड़ने जा रही थी, तभी दुर्गा चौक कालीपुर के पास यह वैन डीपीएस के ही एक बड़ी बस से टकरा गई। इसमें 5 बच्चे घायल हो गए हैं। अभिजीत, आर्यन, अब्दुल, बिलाल आदि घायल बच्चों को उपचार के लिए MPM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों का आरोप है कि डीपीएस स्कूल प्रबंधन बार बार शिकायतों के बावजूद क्षमता से अधिक बच्चों को वैन में सवार किया जाता है और डीपीएस के ड्राइवर भी लापरवाह हैं। बहरहाल पुलिस ने मामले को जांच में ले लिया है। डीपीएस के बस छोटा वैन में 20 बच्चों को भर के, जिसकी कैपेसिटी 9 की है, उसमें 20 बच्चों को बचा भर के मनमानी चलाते हैं उन लोग। पैसों के लालच में कुछ भी करते हैं ये प्राइवेट स्कूल वाले। अभी क्या हुआ है? ये छोटा वैन जाके बड़ा बस को पीछे से टक्कर मारा, उसमें से 5 बच्चे ज़्यादा ही घायल हुए हैं। एक को होठ के ऊपर 4 स्टिचेस आया है, एक को सर में 10-15 स्टिचेस आए हुए हैं और एक बच्चा सदमा से घर चल गया, मैं ट्रीटमेंट नहीं करवाऊँगा। और इन लोगों को इतना मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि बच्चों के लिए एक रूम खुलवा के कम से कम उनको रेस्ट के लिए दिया जाए। आप लोगों से यह निवेदन है कि इसके ऊपर कम से कम जितनी की कैपेसिटी है उतना ही सिटिंग करवाए, जैसे आप लोग कर सकते हो। आप लोग मेहरबानी करके इससे पहले गार्डियन के हिसाब से हम लोग 3-4 बार कंप्लेंट दे चुके हैं। उसके लिए वो जो ट्रांसपोर्ट का इंचार्ज हूँ बोलता है, वो मान रहा है, आप लोगों के सामने भी मान रहा है, किंतु देखते नहीं है क्योंकि पैसों की लालच। प्रदेश विधानसभा में बम्पर जीत के बाद प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और शासन में राजस्व मंत्री का ओहदा संभाल रहे जय सिंह अग्रवाल करतला में आयोजित किसान आभार एवं सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस समारोह में पूर्व विधायक श्याम लाल कंवर के अलावा बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता, जिले के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी व ग्रामीणों का पूरा जनसैलाब मौजूद रहा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर महंत ने इस दौरान ग्रामीणों को सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जनहित से जुड़े योजनाओं की जानकारी देते हुए पेंशन और दूसरे विकास कार्यों को पूरा करने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाया। इसी तरह राजस्व मंत्री ने भी क्षेत्र के विकास और लोगों के जन कल्याण के लिए कराए जा रहे कामों को जल्द से जल्द पूरा करने की बात कही। 2 महीने में सीएम भूपेश बघेल की अगुवाई में लिए गए फैसले, जैसे किसानों को जमीन की वापसी, विभिन्न विभागों में पदस्थ कर्मियों की मूल विभागों में वापसी, धान का 2500 रुपए बोनस के साथ ही किसानों की कर्ज माफी पर अपनी बात रखी। आदिवासी किसानों का
गाँव के बहुत लोगों के पास यही बताया कि उनको पेंशन नहीं मिल रहा है। बहुत लोगों ने कहा कि उनके नालियाँ सूख रही हैं, नालों का पानी बहुत चल रहा है, बिजली के बिल बिजली का बिल के बारे में परेशान कर रहे हैं। हम जनों से सीधे सीधे रुकनी होना चाहते थे वहाँ बीजेपी के द्वारा शौचालय बनाए गए पूरे तरफ। हाँ, शौचालय काम पैसे नहीं मिल पाए हैं, उसको जल्दी से जल्दी मिल जाए। दर्री थाना इलाके के हसदेव बांध में तैरती हुई एक अज्ञात महिला की लाश मिलने से सनसनी मच गई। लाश देखे जाने की सूचना फौरन ही दर्री पुलिस के थाना प्रभारी रघुनंदन शर्मा को दी गई। सदल बल घटनास्थल पर पहुंची दर्री पुलिस ने गोताखोरों की मदद से लाश को बाहर निकाला और फिर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल रवाना किया। यह लाश 35 से 40 साल की महिला की लग रही है। यह लाश डैम के दूसरी तरफ गेट नंबर 5 पर तैरती हुई बरामद हुई है। टीआई रघुनंदन शर्मा ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद ही महिला की मौत का खुलासा हो सकेगा। बहरहाल पुलिस आसपास के लोगों से महिला के बारे में जानकारी जुटाने में लगी हुई है। अभी सूचना मिला, हम लोग भी इधर आए हैं और एक महिला जो है नदी में कूद गए हैं, ऐसे सूचना मिले तो हम लोग देखने आए थे। अभी जो पुलिस यहाँ तो मौजूद हैं और पब्लिक भी बहुत सारी इकट्ठा हो गए हैं और एक जो गोताखोर के माध्यम से नदी किनारे लाए हैं उसको, अब पुलिस के द्वारा जो है उसको थाना ले जाया जा रहा है। अब वो कार्यवाही अब अपने हिसाब से करेंगे। भैया पता चला है लाश किसकी है? अब ये जानकारी नहीं है सर किसकी है, बाकी क्षेत्र की नहीं है ऐसा लग रहा है। एक फ़ोन किए अज्ञात व्यक्ति द्वारा फ़ोन आया कि एक महिला की लाश जो है डैम में दर्री डैम में उखलाई हुई है। सूचना पर यहाँ पहुँचे, देखे कि डैम में नीचे तरफ नदी साइड में पानी में एक महिला की लाश उखलाई हुई थी, जिसको बाहर निकलवाया गया और निकलवा करके उसको आसपास के काफ़ी लोग एकत्रित हैं, उन लोगों से पहचान कराया गया तो अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। उम्र करीब 35 वर्ष की है और इसको पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। उर्जाधानी में जहां एक ओर कोयले और दूसरे खनिज संसाधन तस्करों की नज़र से महफूज नहीं है तो दूसरी तरफ उद्योगों से निकलने वाले स्क्रैप पर हाथ साफ करने में भी कबाड़ व्यवसायी पीछे नहीं है। बात करें नए मामले की तो बालकोनगर पुलिस ने इलाके की कुख्यात कबाड़ व्यवसायी रेणु साहू को एक बार फिर हिरासत में ले लिया है। बालको थाने के प्रभारी पीके सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक यह पूरी कार्रवाई तब की गई जब रेणु साहू अपने माजदा ट्रक में चोरी का स्क्रैप भरकर उसे खपाने चापा के लिए रवाना हुई थी। इस बात की सूचना किसी ने पुलिस को दे दी, जिसके बाद घेराबंदी करते हुए बालको पुलिस ने आरोपी कबाड़ व्यवसायी को रिश्ता चौक में वाहन समेत धर दबोचा। चर्चित और पुलिस के नाक में दम कर चुकी रेणु पर यह पुलिस की नई कार्रवाई नहीं है। पुलिस पहले भी उसे करीब एक दर्जन बार हिरासत में ले चुकी है। कार्रवाई पूरी होते ही वह फिर से कबाड़ के गोरख धंधे में लिप्त हो जाती है। बहरहाल रेणु के साथ ही जब्त वाहन के चालक को न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल करा दिया गया है, साथ ही कबाड़ को पुलिस ने जब्त कर लिया है। अपने 407 वाहन से कबाड़ी का सामान लेकर के जा रही थी चापा, जिसे रिश्ता के पास सूचना मिलने पर पकड़ा गया है। चालक कृष्णा तिवारी एवं माल मालिक कबाड़ी रेणु साहू के खिलाफ 41(1)(4)(389) आईपीएस जाप्ता फौजदारी की कार्रवाई की जाकर न्यायालय पेश किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा जो है जेल भेजने का आदेश दिए जाने पर उसे जेल दाखिल दोनों को कराया गया है। इसके पूर्व में भी सन 2018 में आरपीएफ के द्वारा यह कार्रवाई की गई थी, उस समय इनकी वाहन जो है आरपीएफ ने जब्त किया था और दोनों चालक और रेणु के ऊपर कार्रवाई हुई थी। थाना स्तर पर भी 8-9 बार पूर्व में कार्रवाई हो चुकी है। 379 और 403 का इस्तगासा भी पेश हुआ है। 110 जाप्ता फौजदारी की भी कार्रवाई की गई है। बालको क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे रेत के अवैध उत्खनन के मामले को INN24 न्यूज ने प्रमुखता से अपने चैनल पर दिखाया था। इस खबर के बाद खनिज विभाग में हड़कंप मचा हुआ था। इस खबर के बाद रेत माफियाओं ने कुछ समय के लिए काम बंद कर दिया था, लेकिन कार्रवाई के अभाव में उनका हौसला बढ़ा और फिर अवैध रेत का कारोबार फिर से शुरू हो गया।
इस पर खनिज विभाग के अधिकारियों ने मौके पर जाकर अवैध रूप से परिवहन करते ट्रैक्टर और जेसीबी को जब्त कर लिया है। वही लंबे समय से चल रहे अवैध रेत उत्खनन में लिप्त रेत माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि बालको क्षेत्र में रेत का अवैध उत्खनन लंबे समय से किया जा रहा था। इस गोरख धंधे की जानकारी वन विभाग और खनिज विभाग को नहीं थी, लेकिन माफियाओं के धन बल के आगे सभी नतमस्तक थे। INN 24 न्यूज में समाचार प्रकाशित होने पर खनिज विभाग कार्रवाई करने मौके पर पहुंचा और कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। खनिज विभाग की टीम में एनके सूर के नेतृत्व में राहुल गुलाटी और उनकी टीम इस कार्रवाई में शामिल थी। खनिज विभाग कार्रवाई करने प्रकाशित होने पर खर को जब्त कर लिया। Please keep watching INN 24.